आज दोस्तों बना कर लेकर आई हूँ आप लोग के लिए मिल्क बनाना शेक बनाने का रेसिपी एकदम आसान तरीके से। दो फ्लेवर के रेसिपी आप लोग को दिखाऊंगी बना करके, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए दोस्तों। ये इतना फायदेमंद है, एक गिलास अगर आप पी लेंगे तो दिन भर का छुट्टी हो जाएगा, ना ही आप लोग का कमजोरी महसूस होगा और ना ही थकान महसूस होगा। तो ये रेसिपी आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और एक चॉकलेट फ्लेवर का बनाकर बताऊंगी ये शेक बनाने का, और एक मिल्क बनाना शेक बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आप लोग के अगर मेरी रेसिपी कहीं से भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट और शेयर ढेर सारा जरूर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लालसा किचन में। तो बनाना शेक बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैं दो बनाना रखी हूँ। तो सबसे पहले हम मिल्क बनाना शेक बनाएंगे। इनके लिए चाहिए हमें दूध और दो बनाना, यहाँ पर थोड़ा सा इलायची दाना जो मैं दाना इस तरीके से छुड़ा कर रखी हूँ, दो चम्मच चीनी और 3 से 4 आइस क्यूब। यहाँ पर हम रखेंगे मिक्सी जार और यहाँ पर केरा छील कर अच्छा से हम तुर कर डालेंगे। देखिए इस तरीके से केरा छील लेंगे और छोटा छोटा टुकड़ा में काट कर इन्हीं में डालेंगे मिक्सी में, क्योंकि हमें इन्हें पीसना है। तो देखिए इस तरीके से चाकू से मैं काट कर डाल रही हूँ, तो आप चाहिए तो हाथ से भी तुर कर डाल सकते हैं। तो एक गिलास के लिए मैं दो बनाना रखी हूँ और आधा गिलास दूध डालूंगी, उतने ही से एक गिलास हमारा बनाना मिल्क शेक बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दो केरा मैं काट कर डाल दी हूँ। अब यहाँ पर डालेंगे आधा गिलास दूध, आधा गिलास देखिए दूध डाली हूँ मैं, यहाँ पर दिखा रही हूँ। देखिए आधा गिलास दूध डालने के बाद में जो हम आइस क्यूब रखे हैं वो भी डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा ठंडा नहीं पीना चाहते हैं तो आइस क्यूब हटा भी सकते हैं, सिर्फ दूध से बना सकते हैं। यहाँ पर जो हम चीनी रखे हैं वो भी डाल देंगे। अगर आप जैसे चीनी नहीं खाते हैं तो बिना चीनी के भी इन्हें बनाकर खा सकते हैं, मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम इलायची रखे हैं उन्हें भी डाल देंगे इसी में, और इन्हें अच्छा से हम ढक्कन लगाकर महीन साफा बारीक पीस लेंगे। और देखिए इस तरीके से मैं पीसी हूँ, चम्मच से दिखा रही हूँ। देखिए पूरा महीन हो गया है, देखिए इस तरीके से, और कितना गाढ़ा भी है। तो आप यहाँ पर दूध ज़्यादा डालना चाहते हैं तो और दूध भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक गिलास लेंगे कांच का और उसी में हम रख लेंगे बनाना शेक। और लीजिए झटपट हमारा मिल्क बनाना शेक बन करके तैयार हो गया है। यहाँ पर आप बनाना शेक में बादाम भी डालना चाहते हैं तो बादाम भी डाल लीजिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टूटी फ्रूटी ऊपर से डाल रही हूँ, ये अच्छा लगेगा ये। देखिए इस तरीके से, आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और लीजिए हमारा ठंडा ठंडा मिल्क बनाना शेक बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। देखा कितना आसान है। तो ये रेसिपी आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा, एकदम गाढ़ा एकदम ठंडा और एकदम पौष्टिक से भरपूर हमारा बनाना शेक बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम दूसरा रेसिपी तैयार करते हैं। देखिए कितना आसान तरीके से बन गया है। तो इसी तरीके से आप जितना बनाना चाहते हैं इसी तरीके से बनाकर और गर्मी के मौसम में पी सकते हैं, बाहर पीने के झंझट भी नहीं रहेगा। तब चलिए हम दूसरा बनाते हैं चॉकलेट फ्लेवर का बनाना शेक। यहाँ पर बनाना शेक बनाने के लिए मैं रखी हूँ ओरियो बिस्कुट एक, यहाँ पर भी मैं दो चम्मच चीनी रखी हूँ, थोड़ा सा आइस क्यूब रखी हूँ और दो बनाना रखी हूँ। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ओरियो बिस्कुट के जगह पर कोको पाउडर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं फिर से केरा छील कर डाल देंगे मिक्सी जार में। दो केरा यहाँ पर भी मैं डाल रही हूँ। देखिए अब यहाँ पर जो आधा गिलास मैं दूध रखी थी वो भी डाल दूंगी इसी में। अब यहाँ पर हम डालेंगे जो बिस्कुट रखे हैं वो डाल देंगे, और यहाँ पर जो चीनी रखी हूँ वो भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं इलायची नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर का हम बना रहे हैं, तो इसीलिए मैं इलायची नहीं डाली हूँ। यहाँ पर सिर्फ हम बिस्कुट डालेंगे, इनका क्रीम नहीं निकालना है, क्रीम से ही हम बिस्कुट को डाल देंगे दो टुकड़े में तुर तुर कर। देखिए इस तरीके से तोड़कर डाल दे, अच्छा से ये भी बारीक मेन पीस आ जाए। आप जो फ्लेवर डालना चाहते हैं वो फ्लेवर डाल सकते हैं, और इन्हें भी ढक्कन लगाकर अच्छा से हम मेन पीस लेंगे दोस्तों। देखिए ये भी पीस आ गया है, और देखिए कितना गाढ़ा ये भी है। तो यहाँ पर आप दूध अब बढ़ाना चाहते हैं वो अनुसार से बढ़ा भी सकते हैं। और लीजिए दूसरा गिलास भी हमारे चॉकलेट फ्लेवर का तैयार हो गया है।
तो आज के दोस्तों हमारी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और लीजिए इन्हें भी मैं गिलास में निकाल दी हूँ। और यहाँ पर मैं एक बिस्कुट रखी थी इसी में से निकाल करके उसे तोड़ कर हम ऊपर से यहाँ पर भी डाल देंगे। और लीजिए हमारा सुपर टेस्टी गिलास तैयार है ये भी। तो देखा दोस्तों आपने कितना ये आसान रेसिपी है। ये रमज़ान के जैसे महीना भी चल रहा है तो इसमें भी बनाकर आप पी सकते हैं। ईद चल रहा है इस पर भी बनाकर पी सकते हैं, सबसे आसान तरीका है। और इन्हें गर्मी के मौसम में अच्छा से पी सकते हैं। और लीजिए कितना झटपट हमारा दो फ्लेवर का मिल्क बनाना शेक बनकर तैयार हो गया है, चॉकलेट बनाना शेक बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसे पीने से बहुत देह में एनर्जी मिलती है और कमजोरी भी महसूस नहीं होती है। तो इसे आप लोग बनाकर ज़रूर पीजिएगा इस गर्मी के मौसम में, इन्हें पीना ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर आप घर पर बनाकर पी लेंगे तो बाहर लाना नहीं पड़ेगा, ढेर सारा बनाकर पूरा फैमिली के लिए बनाकर पिला सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग भी जरूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा।